सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ओसी गेमिंग। तो कैसे हो आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट विकी। तो फाइनली अपने गेम के अंदर मिस्ट्री शॉप आ चुका है गाइस। देखते हैं क्या क्या रिवॉर्ड हम लोग को देखने को मिलता है और कितने परसेंट डिस्काउंट मिलता है देखने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो गाइस, मुझे 65% का डिस्काउंट मिला है और यहाँ से मैं सिर्फ और सिर्फ वैल्यू फॉर डायमंड्स वाला ही रिवॉर्ड्स लेने वाला हूँ, क्योंकि बेकार चीज़ लेने का कोई मतलब नहीं है। डायमंड्स बहुत महंगे मिलता है आजकल। तो पहले ही देख सकते हो यूपी वाला बंडल जो पैसिफिक ब्रिजी बंडल के नाम से आता है, जो दिखने में अच्छा है लेकिन मुझे उतना खास नहीं लगा। तो देखते हैं और क्या क्या रिवॉर्ड्स हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये रहा एम्पायर वन का अपग्रेड वाला टोकन। तो स्क्रोल करते ही ये वाला ग्लू वाल आप लोग को दिख रहा होगा, जो अच्छा है लेकिन मुझे उतना खास नहीं लगा, तो मैं ये ग्लू वाल नहीं लेने वाला हूँ। और ये येलो जैकेट भी बहुत ओपी लग रहा है गाइस, मुझे तो बहुत पसंद है। देखते हैं आखिर में कि ये हम लेने वाले हैं या नहीं। और ये हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छा है गाइस, देख सकते हो। बाकी ये इमोट मुझे बहुत पसंद है तो इसे मैं लेने वाला हूँ। आगे देखते हैं। आगे ये कटाना का स्किन जो उतना भी खास नहीं लग रहा है मुझे, पिंक कलर की इंकी पिंकी पंकी। ये बंडल भी अच्छा है लेकिन मुझे उतना खास नहीं लगा, तो ये मैं नहीं लेने वाला हूँ। और ये द ब्लैक वीडियो करके ओपी वाला बैनर भी है, तो जल्दी से अपना ओपी वाला रिवॉर्ड यानी ये इमोट ले लेते हैं। ओपी भाई वाह, ये इमोट आप लोग को पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर लिखना गाइस, क्या आप भी ये इमोट लेने वाले हो या नहीं। तो स्विच करते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या रिवॉर्ड देखने को मिलता है हम लोग को। तो पहले ये ओपी वाला बंडल जो मुझे बहुत ही पसंद आया गाइस, देख सकते हो आप लोग भी कमेंट करना कि ये आप लोग को भी पसंद आया या नहीं। पहले वाला बंडल से मुझे ये बंडल बहुत पसंद आया तो मैं यही बंडल लेने वाला हूँ। और इधर देख सकते हो MP5 का अपग्रेड वाला टोकन मिल रहा है। और नीचे ये वॉल भी मुझे अच्छा लगा, देख सकते हो आप लोग, ये वॉल भी मुझे वैल्यू फॉर डायमंड लगा, इसलिए मैं इसको भी लेने वाला हूँ। 139 का पड़ रहा है। साथ ही में ये आलोक वाला इमोट, ये भी वैल्यू फॉर डायमंड्स है गाइस, ये भी आप लोग ले सकते हो सिर्फ और सिर्फ 209 डायमंड्स। उसके बाद ये बंडल उतना खास नहीं लगा मुझे, तो ये छोड़ के कटाना देखता हूँ। हाँ, ये वाला कटाना अच्छा है गाइस, देख सकते हो ओपी वाला एनिमेशन है, तो ये भी परचेज कर लेते हैं। 139 में मिला मुझे ये वाला। इनक्यूबेटर वाउचर भी ले लेते हैं गाइस, बहुत काम का चीज है ये। फाइनली अब ये बंडल के बारी, जो इस मिस्ट्री शॉप में सबसे ओपी वाला रिवॉर्ड है, 419 डायमंड्स में मिल रहा है, तो परचेस कर लेते हैं इसे और क्यूब भी कर लेते हैं। बहुत ओपी लग रहा है। और दो इमोट भी मैंने लिया है, एक आलोक वाला और एक ये बारबेक्यू वाला। तो इस बारी मिस्ट्री शॉप में हम लोग को इलाइट पास देखने को नहीं मिला, जो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग वाली बात है, तो कोई नहीं, सह लेंगे। और कटाना का स्किन भी लिया है, मेरे पास पहले से एक था लेकिन ये भी ओपी लग रहा था इसलिए मैंने इसको भी परचेस कर लिया है। और ये वॉल भी देख सकते हैं आप लोग, डीजे वाला बाबू कह के डीजे बॉक्स की तरह, सह लेंगे थोड़ा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर लिखना कि आप लोगों को कितना परसेंट डिस्काउंट मिला इस बारी मिस्ट्री शॉप में।